हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है मेरी किचन यानी श्वेता की किचन में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिली चीज़ सैंडविच, और इसको बनाना बेहद ही ज़्यादा आसान है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ले लिए मैंने ये चार ब्रेड, तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो सबसे पहले लेंगे बटर। बटर हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, पर ये मेल्ट होना चाहिए। तो इसके अंदर हम डाल देंगे गार्लिक, यानी ये मैंने लहसुन लिया और लहसुन को अच्छी तरीके से ग्रेट कर लिया है, तो वो हम इसके अंदर डाल देंगे। कि मैंने चार कलियाँ ली है लहसुन की, अब इसको हम इसके अंदर अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे कि लहसुन का टेस्ट हमारे बटर के अंदर आ जाए। तो गार्लिक हमारा बटर के अंदर अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो ये ले लिए मैंने ब्रेड, तो ब्रेड के ऊपर हमें लगाना है बटर। तो बटर हम नाइफ की सहायता से इसको अच्छी तरीके से लगा देंगे कि इसके चारों तरफ बटर लग जाए, और हमें दोनों तरफ बटर लगाना है इस तरीके से। तो ये बटर लग चुका है एक साइड, अब हम दूसरी साइड लगा लेंगे बटर। तो इसी तरीके से चारों तरफ हम बटर लगा लेंगे इसके ब्रेड के। तो दोनों ब्रेड के ऊपर मैंने अच्छी तरीके से बटर लगा लिया है। अब ग्रेट किया हुआ चीज़ हम इसके ऊपर डाल देंगे अच्छी तरीके से। तो दोनों ब्रेडों के ऊपर डालना है हमें। तो मैंने चीज़ डाल दिया, अब उसके बाद डालेंगे हम ये हरी मिर्च यानी ग्रीन चिली, जितनी आपको पसंद हो, यानी जितना आपको तीखा पसंद हो आप उस हिसाब से डाल सकते हैं, क्योंकि सैंडविच का नाम ही चिली सैंडविच है। फिर उसके बाद डालेंगे हम ये कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च। तो ये मैंने येलो वाली ली है थोड़ा कलरफुल बनाने के लिए। आप कोई सी भी ले सकते हैं, या ग्रीन वाली, रेड वाली या येलो वाली। अब उसके बाद डालेंगे हम ये प्याज, यानी इसको भी मैंने बारीक कट कर लिया है। डालेंगे हम ये चिली फ्लेक्स, तो ये मैंने इस तरीके से डाल दिए। फिर उसके बाद डाल देंगे थोड़ा सा सॉल्ट यानी नमक, और फिर उसके बाद हम ये चीज इसके ऊपर वापस से कोट कर देंगे। तो चीज़ हमारा अच्छे से तरीके से कोट हो गया। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो ये ले लिया मैंने तवा, तवे को मैंने पहले से ही प्री हीट कर लिया है। अब इसके ऊपर हम ये ब्रेड रख देंगे, और गैस का फ्लेम बिल्कुल हम कम रखेंगे यानी लो रखेंगे, और इसके ऊपर ये ढक्कन से ढक देंगे कि जब तक कि हमारा चीज़ मेल्ट ना हो जाए। तो हमारा सैंडविच बनकर बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरीके से हमारा चीज़ मेल्ट हो गया है। तो अब मैं इसको निकाल लूँगी। तो हमारा चिली चीज़ सैंडविच बनकर बिल्कुल तैयार है। मैंने इसको चार पीस में इस तरीके से कट कर लिया है, और खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी है। अगर आपको इसकी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लग रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।